पुराने से पुराना दांत, खाज, खुजली को दूर करने का आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ। दोस्तों, चर्म रोग की परेशानी तो किसी भी उम्र में हो सकती है और यदि एक बार दांत, खाज, खुजली हो जाती है दोस्तों, तो दोबारा फिर से इसके होने का खतरा रहता है। तो आज जो वीडियो लेकर आई दोस्तों, आप सबके बहुत काम आने वाला है यदि आपको दांत, खाज या खुजली की परेशानी है। तो दोस्तों, इस ज़बरदस्त नुस्खे से पुराना यदि दाद होगा, खाज होगा या खुजली की कोई बीमारी होगी दोस्तों, तो वह बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कैसा घरेलू उपाय है जो कि बिल्कुल ही जड़ से पुराने दाद, खाज, खुजली को ख़त्म कर देगा। कपूर का इस्तेमाल पुराने समय से ही इस बीमारी के लिए, इस चर्म रोग के लिए किया आता जा रहा है। किसी भी पूजा के सामान की दुकान में, ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता था, मात्र 15 रुपए की पूरी डिब्बी है। ये देखिए लिखा ना इसमें, शुद्ध कपूर। इस तरह से मैं भी इसे भगवान के सामान की दुकान से लेकर आई हूँ। पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर है दोस्तों। इस तरह से लंबे टुकड़ों में भी आता है और इस तरह से टिकिया में भी आता है। तो दो छोटी टिकिया लेना, मात्र 1 रुपए ही आप सोचिए इसका खर्चा होगा दोस्तों, क्योंकि 10-15 रुपए की तो ये पूरी बॉटल आती है। दो टिकिया आपको कपूर की लेना है। जो कपूर होता है दोस्तों, ये दांत, खाज, खुजली के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और कपूर को आपको थोड़ा सा कूट लेना है, इसका पाउडर बना लेना। बहुत ही आसानी से यह टूट जाता, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो आप चाहें तो इस तरह से खलबत्ते में कूट लें, किसी बेलन की मदद या किसी कागज में रख कर पत्थर से हल्का सा कूटें ना दोस्तों, तुरंत ही कूट जाता है। तो दो कपूर का टुकड़ा लिया है मैं, ये रेमेडी आपको जो बनाना बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा ना बनाएं आप, और सप्ताह भर आप इसका इस्तेमाल करें। एक सप्ताह इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल ही जो दाद हो गया है, जो तेज़ी से फैल रहा है, आपको खुद को लगेगा कि उसका फैलना बंद हो गया, खुजली की समस्या कम होगी और साथ ही साथ दोस्तों ये तेज़ी से क्योर होने लगेगा। तो बस कपूर के पाउडर को इस कटोरी में डाल दिया है। अगली चीज़ देखते हैं दोस्तों, इसके लिए हमें क्या चाहिए। तुलसी जो कि बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक होती है, बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, बहुत सी बीमारियों से हमें बचाती। इसे हम खाते भी हैं दोस्तों, और शरीर में यदि हमारे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मुहासे की समस्या है, ज़्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उनके लिए तो तुलसी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तुलसी की पत्तियों का रस तो यहाँ पर आपको लेना है दोस्तों, कम से कम 10 से 12 मैंने तुलसी की पत्तियाँ ली हैं, थोड़े छोटे साइज़ की। बड़े साइज़ की तुलसी की पत्तियाँ हैं तो आप 6 से 7 भी ले सकते हैं। तो छोटी पत्तियाँ हैं इसलिए मैंने 10-12 पत्तियाँ ली हैं, क्योंकि हमें इसका रस निकालना है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, तुलसी को आप चाहें तो चाकू की मदद से या फिर काट भी सकते हैं, या फिर इस तरह से मेरे जैसे क्रश कर लें, थोड़ा सा उसे कुचल लें ताकि इसका रस आ जाए। तुलसी का पत्ता जो होता है, पूरी तुलसी ही दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, चाहे तुलसी की पत्ती हो, चाहे तुलसी की मंजरी हो, चाहे तुलसी की जड़ हो, सभी कुछ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में तो तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तभी तो बहुत सी दवाइयों में तुलसी के अर्क का, तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, तुलसी की मंजरी। तो दोस्तों, मैंने ये जो 8-10 पत्तियाँ ली थी, 10-12 पत्तियाँ, इन्हें खलबत्ते में अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, इसका रस निकल गया है। पत्ते सही थी आपको डाल देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ रस डालना है, इसके पत्ते सही थी मैंने डाल दिए, जो थोड़े बहुत मोटे पत्ते दिख रहे हैं। कपूर और तुलसी दोनों को आपस में मिक्स करें। और अब अगली चीज़, तीन चीज़ लेना है दोस्तों, ऐसा ना सोचें कि मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको। एलोवेरा, कोशिश करें दोस्तों कि आप अपने घर में ही फ्रेश एलोवेरा की फ्रेश पत्ती लें। बाज़ार में भी एलोवेरा के तरह तरह के ट्यूब आते हैं, पल्प आता है दोस्तों, परंतु ज़्यादातर उन्हें प्रिजर्व करने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, तभी तो वो एलोवेरा एक एक साल भी हम घर पर रखते हैं तो ख़राब नहीं होता। तो प्रिजर्वेटिव वाला कोशिश करें कि डब्बा ना लें, प्रिजर्वेटिव वाला एलोवेरा जेल ना लें। फ्रेश पत्तियों की बात अलग होती है, तो आप सबको भी अपने घर पर एलोवेरा का पौधा जरूर लगाना चाहिए। किसी भी नर्सरी से इस पौधे को ले आएं, बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है, कोई खास देखभाल की ज़रूरत नहीं है। और हमारे त्वचा के लिए, हमारे स्किन डिसीज़ के लिए, हमारे त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए एलोवेरा का जेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत से हमारी स्किन डिसीज़ दूर होती हैं दोस्तों एलोवेरा का जेल लगाने से। तो बस इस पत्ती में देख सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा लिया, इतना सारा एलोवेरा जेल निकल गया है। तो बस छोटे ही पत्ती काटें दोस्तों, जब भी आपको इस्तेमाल करना, पूरी पत्ती को काट के न लाएं, बिल्कुल पत्ती का छोटा सा हिस्सा ही लें।
और बस इसमें आपको मिलाना है कपूर, एलोवेरा जेल और तुलसी की पत्ती, तुलसी की पत्तियों का रस, तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देखिए। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, आपको इसे लगाकर रखना है। लगाने के बाद आप इसे सूखने दें, कुछ देर सूखने दें, आधा घंटा भी लग सकता है, सूखने दें, उसके बाद आप सादे पानी से धो लें। अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, दांत खाज खुजली का सबसे बड़ा कारण क्या है, सफाई न रखना। खासकर हम जब नहाने के बाद टॉवेल से अपने बदन को बिल्कुल सूखा नहीं पोंछते हैं, शरीर में जहाँ नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, सबसे ज़्यादा पसीना आता है, उस जगह पर दांत खाज खुजली होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। कुछ बूंदें ही नींबू के रस की डालना है दोस्तों, इससे भी जो खुजली की समस्या कम होती है और दांत खाज खुजली के फैलने का खतरा कम रहता है। तो ये हमारा घरेलू नुस्खा बनकर तैयार है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप ये ना सोचें। और आप चाहें तो इसे अपने स्किन में टेस्ट करके देख लें, साइड में हाथ में लगा कर देख लें, फिर दांत खाज खुजली की जगह पर लगाएं। अगर आपको नींबू से थोड़ी ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, तो आप चाहें तो लेमन जूस हटा सकते हैं, एलोवेरा लें, तुलसी लें और कपूर। एक कॉटन बॉल ले लिया, इसे आप इसमें डिप करें और फिर आपको जहाँ पर भी आपके शरीर में जहाँ भी दांत खाज खुजली की समस्या है, वहाँ पर इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं ताकि स्किन में चला जाए। मसाज मतलब हल्का हल्का सा आप लगाएं इसे, एक डेढ़ मिनट आप इसे लगाएं और फिर छोड़ दें सूखने के लिए। जब ये सूख जाए उसके बाद साफ पानी से धोकर उस जगह को सूखा करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा जो कड़वे नीम की पत्तियाँ होती हैं ना दोस्तों, कड़वे नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर छान लें और उस पानी से सप्ताह में दो बार जरूर नहाएं। कड़वे नीम की पत्तियां एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं और चर्म रोगों को, स्किन डिसीज को दूर करने में बहुत ही सहायक होती हैं। जिन लोगों को दांत खाज खुजली की समस्या है, वो कड़वे नीम की पत्तियों से सप्ताह में दो बार जरूर नहाएं और इस रेमेडी को पूरे सप्ताह भर रोज लगाकर देखें, 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।